खबर इंदौर से है, जहां गुरुवार सुबह से शहर में बादल छाए रहे और दोपहर 11 बजे बाद शहर में एकाक तेज बौछारें शुरू हुई। इस दौरान बादलों की गरज चमक भी देखने को मिली। इसके कारण शहर में अधिकांश हिस्सों में सड़कों में पानी का लबालब हो गई और जल जमाव भी हुआ। रीगल स्थित मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वेदन स्टेशन पर 11 से दोपहर 1 बजे तक 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के अनुसार शहर में 10:22 से 11:30 तक 34 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश के साथ अवसाद कोटा पूरा कर लिया है। इंदौर में 4 महीने में 929.4 मिमी है। गुरुवार को 12 बजे तक शहर में अवसाद कोटा 942.2 मिमी हो गया है, जो अवसाद से ज्यादा है। सितंबर के पहले दिन ही इंदौर में इस मॉनसून का काल ही अवसाद बारिश का कोटा पूरा हुआ है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक वर्तमान में गुजरात के ऊपर चक्रवर्ती घेरा बना हुआ है। वहीं इंदौर में संभाग के ऊपर एक विरूपित हवाओं का घेरा बना हुआ है। इसके कारण इंदौर के गुरुवार दोपहर को तेज बौछारें पड़ी। इसके अलावा आलीराजपुर व बड़वानी में भारी वर्षा हुई है। इंदौर संभाग में इंदौर जिले के अलावा धार, खरगोन व झाबुआ जिलों में भी मध्यम वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार को भी इंदौर में इसी तरह के दोपहर के बाद तेज बौछारें पड़ सकती है। बुधवार को देर रात शहर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। इसके तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली। वहीं बुधवार को सूरज निकलने के साथ कुहासा छटता गया और दृश्यता बढ़ी। वर्तमान में कोई मजबूत सिस्टम ना होने के कारण कुछ दिनों से इंदौर में वर्षा की गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही है। इस बार सितंबर से ज्यादा दिनों तक गर्मी व उसम सताएगी। इंदौर में इस वर्षा जुलाई व अगस्त माह में औसत में अधिक वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस माह में इंदौर में औसत से कम वर्षा होगी। हालांकि अगस्त में औसत से ज्यादा वर्षा हो चुकी है कि ऐसे में वर्षा की औसत वर्षा का कोटा पूरा होने के लिए अब 21.2 मिमी वर्षा की ही जरूरत है। सितंबर में ही कोटा पूरा हो जाएगा। इस वर्षा मानसून की शुरुआत में जून माह में से ज्यादा औसत से कम वर्षा हुई थी। वहीं मानसून से विदा होने के पहले सितंबर माह में भी वैसी ही स्थिति बन रही है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ शहर में कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में सितंबर के पहले सप्ताह में मॉनसून की विदाई होने की संभावना है। ऐसे में इंदौर सहित प्रदेश से भी इस बार मॉनसून तय समय से पहले विदा हो सकता है। Thank you.